तो प्रधानमंत्री जी ने कैसे लगा दिया था आरोप? प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगा दिया? जुमलेबाजी तो होगी ना सर, प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया? जुमलेबाजी गृहमंत्री जी यही कह रहा हूँ, आप चुनाव के मद्देनजर जुमलेबाजी से ये सरकार आई थी और अपने गारंटी से ही जाएगी, झूठी गारंटी से जाएगी। ये सरकार जुमलेबाजी से आई थी। देखिए सर, नारे सर मेरी क्यों नहीं इच्छा होगी सर, लेकिन जो चीज हमारे बिल्कुल आप अगेंस्ट बोलेंगे, मैंने सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, आरोप नहीं लगाया सर, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया। दीपक जी प्लीज, ठीक है आपकी बात पहुंच गई वहां पर, आप उसका जवाब तो सुनिए ना, बोलिएगा सुशील जी जवाब दीजिए। दीपक जी प्लीज रुकिएगा सर, आप बहुत देर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज रुकिए। दीपक जी, सुशील जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रंजीत जी आपके पास। पूर्णिमा जी के बुलावे पे आया, पूर्णिमा जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो उत्तरदायी हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये महाराष्ट्र के दो चार नेताओं का नाम उन्होंने लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, क्या वो वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है ये जुमला चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिन नेताओं का नाम चर्चा में आप लेते हो भ्रष्टाचार से संबंध होकर, क्या उन नेता पर किसी ठोस आधार पर कोई कार्रवाई चल रही है? क्या वो नेता कभी भी ईडी सीडी के यहाँ गए हैं? क्या ये कुछ भी कह देना एक आसान है, आप कुछ भी किसी से कह दोगे वॉशिंग मशीन में डाला। मैं पूछ, आपके पास जो कांग्रेस के पास जो नेता आ रहे हैं या समाजवादी में नेता ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनका इतिहास बहुत साफ सुथरा रहा है, ये आप छाती ठोक के बोल सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि आज चुनाव का मौसम है, जिसको जहां सुविधाजनक लगेगा, जिसको लगेगा मेरे लिए ये सुविधाजनक पार्टी है, वो आदमी वहां जा रहा है और वो अपना भविष्य देखता है। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप आरोप लगा रहे हो। मैंने फिर महाराष्ट्र, नहीं सर आप जब आप सपा के लिए कह रहे हो तो मैंने, मेरा जवाब देना लाजमी बनता है सर, मेरा जवाब देना बनता है। मैं तो पूर्णिमा जी के प्रश्न का उत्तर देने के उत्तरदायी हूँ, आपने क्या कहा मैंने सुना। मैं भी सर पूर्णिमा जी से ही पूछ रहा हूँ कि मैंने सिर्फ महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, मैंने उसमें नाम लिया आपके आसाम का लिया, मैंने आपके बंगाल का नाम लिया, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी है, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाया था, फाइलें गायब हो जा रही है, चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, आप कह रहे हैं सर एकदम नहीं है, तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए फिर सर, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं तो क्लीन चीट देने वाले आप और हम कौन होते हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था है, क्यों नहीं होते, मुझे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में बाबा साहब सुशील जी रुकिए, संविधान के प्रवाद देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है धनंजय जी, अब फिर आ जाता है कि आप लोग लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। विपक्ष के आरोप कुछ इसी लाइन और लेंथ पर इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग मनमानी करते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, हेमंत सोरेन की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये सुनीता केजरीवाल को अलायंस की रैली से राजनीति में लॉन्च भी कर देते हैं और वो बताती है कि जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल ने कौन कौन सी गारंटी दी है। पूर्णिमा जी, मैं एक एक करके बिंदुवार जवाब दे देता हूँ और जिस तरह से धैर्य से सुना अगले से भी अपेक्षा रखता हूँ। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा की बात हुई, हेमंत बिश्व शर्मा को सीबीआई ने 2013 में एक्यूज से निकाल करके उनको विटनेस में डाला और 2014 के फरवरी में उन्होंने सीबीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी, जिसकी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव भी उस समय शुरू नहीं हुए थे। 2014 में फाइल सीबीआई ने बंद की, 2013 के जनवरी में उनको सीबीआई ने एक्यूज्ड से निकाल करके उसमें डाला, विटनेस में डाला, ये दोनों समय में कांग्रेस की सरकार थी, उन पर जब केस हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने किसी को केस में दो चीजें होती, एक पर एक इंक्वायरी होती चलती है और दूसरे समय कोर्ट का ट्रायल चलता है, हम लोगों ने ना इंक्वायरी में किसी के लिए कुछ कहा है ना ट्रायल में किसी के लिए कुछ कहा, और जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनके न्यायालय संज्ञान लेगा। दूसरी बात, अगर एनसीपी या किसी राजनीतिक दल पे कोई आरोप लगा तो दल के दो फाड़ हो गए, अब उसमें से किस सेगमेंट ने क्या किया ये तो जांच में आएगा और कोर्ट से न्यायालय से आएगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो विकास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, 14,65,432 करोड़ का बजट था 2013 का और 2023 का बजट है 46,32,832 करोड़, यानी लगभग 3 गुना। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी जो 5वें नंबर पर है। इस देश में 70 लाख बैंक के खाते थे, जो 70 करोड़ बैंक के खाते थे जो 224 करोड़ हो चुके हैं। इस देश में जो 11 करोड़ टॉयलेट बने, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं और 7 शहरों में मेट्रो थी जो आज 32 शहरों के लगभग प्रपोज हो गई है। रेलवे का जो प्लेटफॉर्म स्ट्रिप है और जो ये चीजें हैं उसके आप गुणवत्ता आप देख लीजिए कितनी बदली है, और एयरपोर्ट 3 गुना बढ़ से भी ज्यादा बढ़ गए।
तो इस तरह से जो लगातार देश का विकास हो रहा, उन्नयन हो रहा, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी चल गए हैं और सूरज से भी आंखें मिला रहे हैं आज के डेट में, तो जिस विकास की जो गति और प्रगति हो रही है उसमें आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि करें नहीं, लेकिन उसी के अगेंस्ट तो ये ब्लैक पेपर लॉन्च करते हैं ना, श्वेत पत्र जारी करते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि आपके व्हाइट पेपर में सब कुछ कही हुई बातें सिर्फ और सिर्फ उन पेपर्स पर नजर आती हैं, असलियत में कुछ है नहीं, ये कांग्रेस कहती है, ये विपक्ष कहता है और आपकी उन उपलब्धियों को नकार देता है। रंजीत मिश्रा जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी जी धनंजय जी, पूर्णिमा जी, लेकिन देश को देश की जनता ने नकार दिया हो, ठीक है, आज विपक्ष की स्थिति ये है कि वो डबल डिजिट में जो पार्टियां नहीं आएंगी, हाँ। आज तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का संघर्ष है कि ज्यादा सीटें किसको आएंगी। आज जो स्थिति बनी हुई है, जो शब्दों की मर्यादा गिरी है, विपक्ष के आपस में जूता पजारते, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। रंजीत जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन रंजीत जी जरा ये बताइए, जहां पर अंपायर्स को चुना जाता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है और कप्तानों को धमकी दी जाती है, जरा बताइए अंपायर कौन है, खिलाड़ी कौन है और कप्तान कौन है? क्योंकि हरदीप सिंह पुरी पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग इस टिप्पणी को लेकर और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि राहुल गांधी पर एक्शन लीजिए। पूर्णिमा जी, भाजपा का तो पूरा आपने प्रवचन कराया, उम्मीद है कि 1.5 मिनट का समय आप जरूर देंगे इनके प्रश्न। सर, शिकायतों से बाहर निकलिए रंजीत जी, ओपन स्टेटमेंट आप ही का था, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का था, तीसरा नंबर बीजेपी का आया सर, मतलब क्रिप करने की भी हद होती है सर, ऐसे मत करा करिए। अगर आप इजाजत दें तो कुछ मैं भी बोल लूं। बोलिए जी। जी देखिए, धनंजय जी ने बड़ी स्मार्टली अभी कहा अजीत पवार जी को लेके कि कुछ दूसरे दल में भी होंगे। अरे भाई साहब, दो ही स्थिति होगी ना, कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र जाके कहा कि एक व्यक्ति है जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, नाम है अजीत पवार, और वो किस पार्टी में है? एनसीपी में, नेचुरली करप्ट पार्टी में, और दो दिन बाद आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और वित्त मंत्रालय की चाबी दे देते हैं। तो दो ही स्थिति होगी, चाहे तो वह व्यक्ति चोर होगा तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, नहीं होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यही बात तो समाजवादी पार्टी के नेता आपसे कह रहे हैं कि दो ही परिस्थिति होगी। दूसरी बात आपको बताता हूं कि यह कोई एक उदाहरण नहीं है, शुभेंदु अधिकारी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, छगन भुजबल हो, हिमंत बिश्व शर्मा हो, आपने तो कह दिया वो बंद हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप एक बात समझ लें कि ये जितने भी लोग आए, आखिर ऐसा आपने कौन सा वो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और कौन सा पाउडर रखा है जिसपे छिड़कते ही वो शुद्ध हो जाते हैं? आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी पूरी बात कर ली, अब मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए सर। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग की बात है और मैंने पूछा कि अंपायर कौन है, इसमें खिलाड़ी कौन है और कप्तान को किसको धमकी दी जा रही है? कप्तान को धमकी दी जाती है, कहा है ना, मैं पूछ रही हूँ कौन है कप्तान, धमकी किसको दी गई है? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझ लीजिए, दबाव की राजनीति तो चल रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अरे सर, मेरा सीधा सवाल है रंजीत जी, बहुत सीधा सवाल है मेरा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये तीन लोग कौन है जो खेल रहे हैं, ये आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता है, आरोप राहुल गांधी ने लगाया, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइए कौन है तीनों? देखिए ऐसा है कि जब किसी एक राजनीतिक दल के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, जब एक राजनीतिक दल को सर कर दिए गए आपके अकाउंट फ्रीज, मैं मान गई आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आपके पास पैम्पलेट छपवाने के पैसे नहीं है, मैं ये भी मान गई, आप एक इधर से उधर ट्रैवल नहीं करा पा रहे सर, मैं सब समझ गई, उसको लेकर आपने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुना है मैंने सब कुछ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अंपायर किसको चुन लिया गया, खिलाड़ी कौन जिसको खरीद लिया गया और साथ ही कप्तान कौन है जिसको धमकी दी जा रही है? मेरा सीधा सवाल है सर और सीधा जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैडम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है कि कोई टिक कर देगा, वो सबको पता है। कहने से पहले तो सोचा होगा ना सर राहुल गांधी ने कि बिना सोचे कह डाला, कुछ तो सोचा होगा। देखिए बिल्कुल सोच समझ के किया। एक बात समझ लीजिए पूर्णिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को क्यों उठा रही है।